फ्रेंड्स, सांगेतावीश्वरूप चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं स्टफ करेले की सब्जी, जो बिल्कुल भी कड़वी नहीं है, बल्कि सब उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। करेले को छील लिया है और इसके अंदर से मैंने सारी बीजें निकाल दी है और इसको मैंने हल्दी और नमक के पानी में एक घंटे के लिए रख दिया था और अब हम इसको इस पानी से निकाल लेंगे और इसको साफ पानी में डाल देते हैं। अब हम करेले को साफ पानी से धो लेते हैं और सारा पानी निकाल कर और इसको प्लेट पे ले लेंगे। छोटा चम्मच लहसुन की पेस्ट, आप लहसुन अवॉइड करना चाहते हैं तो आप हींग भी ले सकते हैं। यहाँ पर लहसुन हमारा गुलाबी हो गया है, रॉ स्मेल निकल गई है। अब हम इसमें एक प्याज कट किया हुआ लेंगे और साथ में लेंगे एक बारीक कटी हरी मिर्च। प्याज को हमने थोड़ा भून लिया है और अब हम इसमें लेते हैं हल्दी पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर आप आपके इच्छा अनुसार डाल सकते हैं, मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ। और धनिया पाउडर भी हम लेंगे 1 टीस्पून और साथ में ले रहे हैं 1 चम्मच एक चम्मच मैंने सौंफ ली है। सौंफ का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा करेले के साथ। सौंफ को भी हम मिक्स कर देते हैं सारे मसालों को। अब हम इसमें डालते हैं 1 टमाटर बारीक कट किया हुआ, 2 छोटे टमाटर या 1 बड़ा टमाटर आप ले सकते हैं। 1 मिनट के लिए हमने टमाटर डालने के बाद और भून लिया है मीडियम फ्लेम पर और अब हम इसमें मिक्स करते हैं। ये मैंने 3 आलू को बॉईल करके इसको हमने मैश कर लिया है, इसके छिलके निकाल कर आलू को हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा गरम मसाला 1/2 टीस्पून और थोड़ा स्वादानुसार नमक भी हम इसमें मिक्स करेंगे। दबाकर भरेंगे, हाथ से अच्छी तरह दबा देते हैं। फ्रेंड्स, ये स्टफिंग को मैंने अच्छी तरह दबा दबा कर करेले में भर दिया है और करेले को अब हम कुक कर लेंगे और बाद में ये जो बचा हुआ स्टफिंग है उसको भी हम सब्जी में ही मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, अब करेले को शैलो फ्राई करने के लिए हम 1 बड़ा चम्मच तेल लेते हैं। तेल थोड़ा गर्म हो जाए फिर हम इसमें इस तरह से करेले रखेंगे। अब हम इसको ढककर धीमी आंच पर कुक कर लेंगे और बीच बीच में हम इसको हिलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, 5-6 मिनट हो गए हैं और मैंने इस तरह से पलट पलट के सब दूर से इसको कुक कर लिया है, दोनों साइड से ही अच्छी तरह कुक हो गए हैं और अब मैं बचा हुआ मसाला भी हम इसमें मिक्स कर देते हैं और इसको 1-2 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे हम।